नमस्ते। पिछले कुछ दिनों में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट, हम लोग कोरोना वायरस से होने वाले खतरे के बारे में पूर्णतया परिचित हैं और हम लोगों के पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम कोरोना वायरस को अपने देश में फैलने से रोक सकते हैं और हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इवन WHO ने इसको एक महामारी घोषित किया है और पूरी दुनिया में 3 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 13,000 लोग मरे हैं। एक अकेले इटली में एक दिन में 600 लोग मरे हैं। सोचिए, एक दिन में 600 लोग इस वायरस के कारण मरे हैं। इस वायरस ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका, चाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, सबको औंधे मुंह गिराया है। जिनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है उनको सोचने के लिए मजबूर किया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसकी कोई अभी तक वैक्सीन, दवाई नहीं बनी है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको लेके ही हम लोग इसको फैलने से बचा सकते हैं और खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। हम अपनी गवर्नमेंट की जितनी सराहना करें उतना कम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। जनता कर्फ्यू का मतलब हुआ जनता के लिए, जनता के द्वारा। मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी इसको समर्थन दें, घर से बाहर ना निकलें। ऐसा करके ना केवल आप खुद की हेल्प करेंगे, आप खुद को इस वायरस से संक्रमित होने से बचाएंगे, आप अपने परिवार की हेल्प करेंगे, आप अपने देश में इस वायरस को फैलने से बचाएंगे। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पज की बाहर क्या हो रहा है, मैं एक बार घूम के आता हूँ, मैं वॉक करके आता हूँ, देख के आता हूँ नीचे सोसाइटी में क्या हो रहा है। सो इन पर्पज से घर घर से बाहर ना निकलें। जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। जितनी हो सके अवेयरनेस फैलाएं, अपने घरों में बच्चों को, बूढ़ों को बार बार हैंड वॉश करने को बोलें और अगर सर्दी जुकाम है तो रुमाल यूज़ करें। मास्क यूज़ ना कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, रुमाल यूज़ करें। और जितनी अवेयरनेस रख सकते हैं उतनी रखिए, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए और कोरोना को हर भारत में फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। और इवन कहते हैं कि समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। सेम कुछ गलतियां चाइना ने, इटली ने, फ्रांस ने की थी और अगर हम लोग वो गलतियां ना दोहराएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इटली की पॉपुलेशन एक स्टेट के बराबर है। अपने राजस्थान को ले लीजिए या फिर MP को ले लीजिए या फिर UP को ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र को ले लीजिए, इटली की पॉपुलेशन इतनी है। अगर वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और अगर ये अपने देश में फैला, ये कोरोना वायरस अगर अपने देश में फैला तो क्या कंडीशन होगी, सोचिए। मैं आपको भयभीत नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, जितनी पॉसिबल हो अवेयरनेस फैलाइए, खुद को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए और कोरोना वायरस को फैलने से बचाइए। बी सेफ, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।